नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में लूटा गया मोबाइल, नकदी तथा अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किए। गिरफ्तार दोनों अभियुक्त आदतन अपराधी हैं, जो पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में जेल जा चुके हैं। आपको बता दें कि आदित्य गैरोला ने सूचना दी कि दो व्यक्ति गणेश विहार कुकरेजा कुंज के पास से वादी से मोबाइल व पर्स लूट कर फरार हो गए थे, जिसमें वादी का आधार कार्ड व 700 रुपये थे। इस मामले में पुलिस ने तेजी से काम शुरू किया और घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर लिया। नेहरू कॉलोनी के थाना क्षेत्र में गणेश विहार पड़ता है, वहाँ पर श्री गरोला जी हैं, जिनसे दो बदमाशों ने जो है उनका मोबाइल और उनका पर्स जो है छीन लिया था और लूट कर भाग गए थे। इसमें 700 रुपए थे। इसको रात्रि में इसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया था। दो व्यक्तियों की इसमें पहचान हुई जिनका गिरफ्तार किया गया, तो शौकीन और जावेद है जो दो लोग की अरेस्टिंग हुई, जिनसे लूट का पैसा और मोबाइल बरामद हो गया। पूर्व में भी इसमें जावेद जो है NDPS एक्ट में और चोरी के अन्य मामलों में जेल जा चुका है। उसका साथी भी मारपीट और धमकी देने के मामले में जेल जा चुका है। तो दोनों का आपराधिक इतिहास है और कल इसी कारण इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। दोनों लोग को लूट के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया।